बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफ़साल। नाज़रीन, आज रहीम यार खान में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने हेल्थ कार्ड स्कीम की तकरीब से खिताब करते हुए पैनमा लीक्स के मामले पर अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। एक तो ये कहा गया कि पैनमा पेपर्स के हवाले से गलत शोर मचाया जा रहा है और धरने वाले जो हैं वो मुल्क को एक बार फिर से नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी इशारा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ था। और जो उनका इस्लामाबाद लॉकडाउन का ऐलान है, 2 नवंबर को जो धरने का ऐलान है इमरान खान का, उस हवाले से खासी तनकीद की। अभी थोड़ी देर पहले इत्तलात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो नोटिसेज हैं वो वज़ीर आज़म को और उनके अहले खाना को मौसूल हो चुके हैं। इस हवाले से भी आज बात करेंगे। पीटीआई ने काफ़ी शदीद रद्दअमल का इजहार किया है वज़ीर आज़म की इस तकरीर पर, और जहाँ वज़ीर आज़म ने यह कहा कि उनके दिल में बहुत दुख है गरीब आवाम का, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि उन्होंने अपनी बेटी की तारीफों के अलावा इस तकरीर के अंदर कुछ और नहीं कहा है। इस हवाले से भी बात करेंगे कि ये जो पैनमा लीक्स का मामला है जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब कानूनी जंग का आगाज़ हो चुका है, ये मामला कहाँ जाएगा। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले आज हम बात करना चाहेंगे एक बहुत ही इंतहाई अहम मामले पर, और ख़ासकर दो सियासी जमातों के अंदर अभी जो हालिया इंतखाबात हुए हैं उसके बाद ये मामला एक बार फिर से ज़ेरे गौर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म की अगर हम बात करें तो वहाँ हमने देखा कि उसी तरीके से जैसे पहले होता आया है, चौधरी शुजात साहब पार्टी के सदर और परवेज़ ही साहब जो है वो पंजाब के सदर मुंतखब हुए। बहुत लोगों को एतराजात हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज के इस तमाम निज़ाम पर कि किस तरीके से ये इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन की जाती है। और दूसरी जाने पाकिस्तान मुस्लिम नवाज में अगर देखा जाए तो पिछले 25-30 सालों से जिस तरीके से अब मौजूदा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब पार्टी के सदर मुंतखब होते आ रहे हैं, एक बार फिर से वही सामने आए। तो ये वो तमाम जमातें जो जमहूरियत का राग अलापती हैं, जो जमहूरियत की मजबूती की बात करती हैं, जो जमहूरियत के हक में दलायल देती हैं, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने अंदर कितनी जमहूरियत है, ये बहुत अहम सवाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक सिर्फ दो ही बार, एक दफ़ा 1997 में और 2013 में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे, और जो अभी थोड़े अरसे पहले होने थे इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से दो धड़े सामने आ गए और फिर उन इख्तलाफात को छुपाने के लिए पैनमा लीक्स का बहाना बनाकर जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस मुलतवी कर दिए गए। तो इस पे भी बात करेंगे, और खासकर एक पिलडैट का सर्वे जो है, जो उनकी सालाना रिपोर्ट है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी की, वो भी आपको यहाँ पर बताते चलें कि उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इस मुल्क में वो सियासी जमात जो सबसे ज़्यादा जमहूरी जमात है वो जमात इस्लामी है। पहले नंबर पर जमात इस्लामी है 56% पॉइंट्स के साथ, दूसरे नंबर पर नेशनल पार्टी 47% पॉइंट्स के साथ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तीसरे नंबर पर 44% के पॉइंट्स के साथ, फिर पाँचवें नंबर पर अवामी नेशनल पार्टी जिसने जो है 40% पॉइंट्स हासिल किए, और चारों सूबों की जंजीर खुद को कहलाने वाली जमात विफाक की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पांचवीं पोजीशन पर रही 36% पॉइंट्स के साथ, और छठे नंबर पर जो है वो मुकाबला एक टाई रही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के दरमियान 33% पॉइंट्स के साथ, और सातवें नंबर पर ये इंतहाई गौरतलब मामला है कि इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात जिसकी इस वक्त विफाक में भी हुकूमत है और इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में भी हुकूमत है, उसको लीस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी जो है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट वो करार दिया गया है 31 पॉइंट्स के साथ। PMLN जो है वो सातवीं पोजिशन पर रही है, यानी सबसे आखिर में आई है। आज इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ, फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और साबिक डेप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ कराची में फैसल वावड़ा साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, आपकी तशरीफ़ आवरी का भी बहुत शुक्रिया। राना अफजल साहब हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद होंगे, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। हाफिज़ सलमान भट्ट साहब सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी के लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी खुश आमदीद। और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब आपसे ही आगाज करना चाहूंगी, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा
कि जमहूरियत की दावेदार जितनी भी हमारी सियासी जमातें हैं वो जमहूरियत की मजबूती के लिए, इस निज़ाम की मजबूती के लिए कैसे कोई इकदाम उठा सकती हैं जब वो जमातें खुद ही जमहूरी नहीं होंगी। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया और ये एक बड़ी जुरिसप्रूडेंशियल बात है कि अगर आपने मुल्क में सही जमहूरियत का अंदाज़ा लगाना है तो पहले उनकी सियासी जमातों में देखें कि अंदर उनके कितनी जमहूरियत है। आपने ज़िक्र किया पिलडेट की रिपोर्ट का, मैं उसका इनफैक्ट पार्ट था, मैं भी उसमें हिस्सा ले रहा था एज अ एग्ज़ामिनर। तो हमने इन सब जमातों को बुलाया था और हमने बड़े उसको डिटेल से देखा कि क्या उनके अंदर इलेक्शंस की जमहूरियत है। तो अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि जब आप 30-40-50% की बात करती हैं कि उनको हमने जो दिया था लेवल, वो इतना कमज़ोर लेवल है, साल साल से उनके इलेक्शंस हुए नहीं, और जो हुए भी वो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया वो सिलेक्शन थी, वो इलेक्शन नहीं थे। तो जब तक हम इन जमातों को कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे कि उनका अपना इंटरनल जो डेमोक्रेसी है, उनकी जो इंटरनल इलेक्शंस हैं वो एक्चुअली इलेक्शंस हों, तब तक मेरा ख्याल है जमहूरी ना रिवाज पैदा हो सकता है, ना आपकी जमहूरियत में मजबूती आ सकती है। आप इसीलिए देखते हैं कि जिस तरह की डिबेट होती है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें करते हैं, ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं जो कि मेरा ख्याल है इल्ज़ाम लगाना इस किस्म की ही गैर जमहूरी आप उसको करार दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक एक चीज़ जो कानून में आनी चाहिए वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर और जो पार्टी के जो चीफ हैं, जो हेड हैं, वो 2 या 3 या 5 साल से ज़्यादा वो नहीं रह सकते, या कम से कम वो 2 बार से ज़्यादा इलेक्शन नहीं लड़ सकते, फिर ही आप ये तब्दीली देखेंगे, वरना आप ये फैमिली ओरिएंटेड पॉलिटिक्स इधर हमारी सही है। एग्जैक्टली यही नुकता है कि अच्छा उस पर भी जाएंगे, उस पर भी डिटेल में बात करेंगे कि वो कोड ऑफ कंडक्ट या फिर जाब्ता अखलाक क्या होना चाहिए। लेकिन इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुंडी साहब आपकी जानिब आएंगे, भुट्टो इसके अलावा क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस मुल्क की एक बड़ी पार्टी, खुद को चारों सूबों की जंजीर कहलाने वाली पार्टी, कोई और काबिल, कोई और सलाहियत वाला शख्स नहीं संभाल सकता पार्टी की बागडोर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन भुट्टो एक ऐसा करिश्मा है जिसके बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुतहद नहीं हो सकती, या किसी और को पे जो है आप ये कहें कि एतमाद नहीं करते। आपने कहा कि जमहूरी डेफिनेटली पार्टी के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, और अगर इलेक्शन हमारी पार्टी में, सपोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इलेक्शन कब हुए थे आखिरी बार पीपल्स पार्टी में इलेक्शन? पीपल्स पार्टी में आखिर इलेक्शन जब मुशर्रफ साहब ने पार्टियां तोड़ने की कोशिश की और उन्होंने पार्टीज के अंदर इलेक्शन कराए, तो वो इलेक्शन ही था या फिर वो भी सिलेक्शन ही था सारी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह? देखें उसमें ये था कि उन्होंने 3P हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने बैन कर दिया था, क्योंकि वो एक सियासी मकासद के लिए कर रहे थे कि इलेक्शन वैसा ना लें। फिर हमने पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियंस को रखा, हमने वो जो प्रोसेस था इलेक्शन का वो किया। लेकिन आप जिधर भी जाएँ, चाहे आप नून में जाएँ, चाहे आप PTI में जाएँ, चाहे आप पीपल्स पार्टी में जाएँ, मियाँ साहब के मुकाबले में डेफिनेटली कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा, और वो लोग जो उनकी पार्टी के वो होंगे। इमरान खान जो है PTI के मुख्तलिफ इख्तलाफात हैं, ग्रुप्स हैं, लेकिन इमरान खान पे जब बात आएगी तो इकट्ठे होंगे। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी होगा कि वो ग्रुप्स होंगे, लेकिन जब लीडरशिप की बात आएगी, चेयरमैन की बात आएगी, तो वो सब मुतहद होंगे। लेकिन आप ये देखें कि इसकी वजूहत क्या है, ये भी आप पहले देखें ना, एक सर्वे जो है आपने देखिए, क्या इस मुल्क में जमहूरियत को चलने दिया है? आप 2-4 साल पहले जमहूरियत चलती थी, उसके बाद रिटेटर आ जाते थे, फिर वो पार्टियां। मेरा सवाल इस वक्त ये नहीं है कि इस मुल्क में जमहूरियत चली है, मेरा सवाल ये है कि जमहूरी खुद को कहने वाली जमातों के अंदर कितनी जमहूरियत। उसी प्यारों देखे ना, आपने जब 9 साल मार्शल लॉ लगाया, आपके मुल्क आपकी आपने जो है पूरे पोलिटिकल प्रोसेस को जो है वो बंद कर दिया, फिर आप 11 साल मार्शल लॉ लगा, पोलिटिकल प्रोसेस जो है सारा बंद हो गया, आपने पोलिटिकल नर्सरी बंद की। पॉलिटिकल जब नर्सरी बंद होती है तो उसमें ये चीज़ें, इस चीज़ों का फुकदान होता है। अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता रहेगा, सिस्टम चलता रहेगा, पार्टियों में डेफिनेट इलेक्शंस भी होंगे, चेंजेस भी आएंगी, लेकिन जहाँ तक बट हमारा अलमिया ये है ना कि इलेक्शंस जो हैं वो नाम निहाद इलेक्शंस ही नजर आ रहे हैं अभी। मैं अगर किसी को अपनी पार्टी में आना शुरू हो गए थे, अखबारों में लिखा जा रहा था कि कोई फायदा नहीं, मैं अगर पार्टी में अपनी पार्टी में किसी को मानूंगा तो मैं डेफिनेटली अपने चेयरमैन को मानूंगा, बिलावल भुट्टो जरदारी को, उसी को मैं लीडर मानूंगा। अच्छा चलें ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो फैसल वाडा साहब से भी और हाफिज सलमान भट्ट साहब से भी इसी हवाले से बात करेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये मजबूरी है जिसके तहत ये तमाम कारकुनान जो है
हैं वो एक ही नाम पर मुत्तफिक हैं, ये वाकई में सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन है, और अगर इस चीज़ को बदलना है, जमहूरियत लानी है इन जमातों में, तो वो कैसे आ सकती है, इस पर भी बात करते हैं एक वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। हाफिज़ सलमान भट्ट साहब, आपकी जानिब आना चाहेंगे, जमात इस्लामी को इस रिपोर्ट या इस सर्वे के मुताबिक तो इंटरनली सबसे ज़्यादा मजबूत जमहूरी जमात जो है वो करार दिया गया, 56% पॉइंट्स, जिस तरह से बैरिस्टर साहब ने कहा कि ज़्यादा खुशाइन बात नहीं है जिस तरीके से ये पॉइंट्स दिए गए हैं, बट आप किस तरीके से बयान फरमाएंगे इस रीज़न को, इसकी वजूहात को, मुहरिकात को, कि क्यों इलेक्शंस नहीं हो पाते हैं, क्यों पार्टीज़ के अंदर जमहूरियत मजबूत नहीं हो पाती है, वो क्या खौफ होता है, क्या डर होता है कि ओहदे जो है उनकी बंदर बांध चल रही होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। देखिए सादी बीबी, गुजारिश ये है कि हमारी जो सो कॉल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बेसिकली ये अफराद के गिर्द घूमती हैं। बुनियादी तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं पूरी दुनिया में अगर आप देख लें तो वो उस मुल्क की पॉलिटिक्स का बुनियादी पिलर होती हैं, स्तून होती हैं पॉलिटिक्स का, सियासत का, और उसके ऊपर सियासत की सारी बिल्डिंग बनती है। जितने मजबूत स्तून होंगे उतनी मजबूत सियासत वहाँ पर होगी। हमारे यहाँ पर दो चीज़ें और उनमें होती हैं, एक तो आइडियालॉजी, उस पार्टी को कंजर्वेटिव है, कोई लिबरल है, कोई जो है वो आप उसको सेकुलर कह लें, मॉडरेट मॉडर्न कह लें, जो भी उसको आप कह लें, और इसी तरह उनके आइडियालॉजी के साथ साथ उनके अदारे होते हैं, उनकी पार्टी की जो कंसल्टेटिव उनकी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी की जो इंस्टीट्यूशंस हैं वगैरह वगैरह। तो हमारे असल में जब अफराद के गिर्द पार्टी घूमती है, उसकी कोई आइडियालॉजी नहीं जिसके गिर्द उसको बनाया जाए, उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जिसके ऊपर उसको अमल दरामद पर मजबूर किया जाए, उसके अदारे नहीं हैं जिनके अंदर उस पार्टी की पॉलिसीज तय की जाएँ, तो फिर ये अफराद के गिर्द घूमती हैं, और अफराद के गिर्द घूमना ही उन पार्टी की स्ट्रेंथ का बायस बनता है। अगर वो फ़र्द मौजूद ना हो तो वो पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एक वक्त आता है कि वो पार्टी जो पाकिस्तान में, मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बलियों में मेजॉरिटी के साथ मौजूद होती है, और एक वक्त आता है जब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो मुल्क से बाहर होती हैं तो वो 14 सीटों पर आ जाती है 1997 में। इसी तरह वो पार्टी जो 98 के अंदर जो 92% वोट्स लेकर, सीटें लेकर असम्बली में मौजूद होती है, जब वो 2002 में इलेक्शन जब मियाँ साहब मौजूद नहीं होते तो वो सिर्फ 12 सीटों पर मुल्क में आ जाती है। तो ये असल में जब अदारे, कॉन्स्टिट्यूशन, आइडियालॉजी, इसकी गैर मौजूदगी में शख्सियतें स्ट्रांग हो जाती हैं और उसकी बुनियाद पर पार्टियां कमजोर हो जाती हैं। जी हाँ, और ये जमात इस्लामी की वो नजरियात भी एक टाइम पे बहुत पीछे रह जाते हैं, लेकिन अफराद जो हैं उनकी मरहूने मिन्नत होना पड़ता है इन तमाम सियासी जमातों को। जमात इस्लामी देखिए एक आइडियालॉजी पर कायम है, आप उसकी आइडियालॉजी इख्तलाफ करें, इतफाक करें, यह एक पोलिटिकल इशू है, लेकिन वो अपनी आइडियालॉजी पर अमल कर रही है, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, शायद मुल्क में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा उस पर अमल दरामद होता है, उसके अदारे हैं जो हर चले जमात इस्लामी कैन से दैट, वो तो हम सर्वे में भी उसका जिक्र कर रहे हैं। बट फैसल वाडा साहब, पीटीआई की तरफ आए तो जिस तरीके से इमरान खान साहब ने कहा था कि अभी भी वो जिक्र करते हैं अक्सर बादशाहत का, कि हम बादशाहत नहीं चाहते, हम जमहूरियत चाहते हैं, पीटीआई के हवाले से उन्होंने बारहा कहा कि हम जो है वो इंतखाबात कराएंगे, नई क़यादत को, नौजवानों को आगे लेकर आएंगे, ये तमाम चीज़ें 1997 और 2013 में तो हमें नज़र आईं, फिर उसके बाद इंतखाबात होने थे, वो मुलतवी करना पड़े आपको आपसी इख्तलाफात की वजह से, तो पीटीआई भी शायद फिर उन्हीं सियासी जमातों के तर्ज अमल पर जो है वो अमल पैरा इस वक्त हमें नज़र आ रही है जिनको आप तनकीद का निशाना बनाते हैं। शुक्रिया सादिया साहब। देखिए जी, देयर इज एन ओल्ड कोट व्हिच सेज दैट वी वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय द साइट, वी हैव टू बिलीव इट बिफोर गोइंग टू सी इट। जो इस लीडरशिप की विजन के पीछे आप जाते हैं तो यूजुअली चेयरमैन का जो इलेक्शन होता है या चेयरमैन की जो पोजीशन होती है उस पोजीशन पे यूजुअली नोबडी टेंड्स टू कॉन्टेस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन के वो आप बिलीव करते हैं उस फेथ के ऊपर कि ये आदमी का वो विजन है जिसको हम फॉलो करने चाह रहे हैं। अगर के उसमें जमहूरियत होती है, यू आर अलाउड टू पार्टिसिपेट,
अगेंस्ट योर चेयरमैन, बट उसके अंदर यूजुअली जो पूरा मुत्तफ़ा फैसला होता है, चाहे वो धड़े भी हों, ग्रुप्स भी हों, वो उस चेयरमैन के या उस लीडर के इर्द गिर्द इसलिए घूमता है क्योंकि आपका सारा फेथ जो है वो उस लीडर से ड्राइव करता है और आपको उसका विजन नजर आता है कि ये उस तरफ नहीं, लेकिन फिर मजबूरी भी तो बन जाती है ना कि अगर उनके मुकाबले में आ जाएंगे, कागजात नामजदगी जमा करा देंगे, अगर वाकई इलेक्शन हो रहा है तो फिर गुड बुक्स में नहीं रहेंगे ना। नहीं देखिए जी, हम तहरीक इंसाफ में तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। द वे वी इंटरेक्ट विद आवर चेयरमैन, जिस तरीके से हम बात करते हैं अपने चेयरमैन से, जितनी फ्रैंकनेस हमारी है, जितनी हमारी एक्सेसिबिलिटी है, तो तहरीक इंसाफ में तो ये एप्लीकेबल है नहीं। इमरान खान साहब के केस के अंदर नॉमिनेशन भी दाखिल पहले भी हुई हैं, वो और बात है कि उस नॉमिनेशन को यूजली पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि वो लीडर उसी को मानती है और मोर और लेस सारी पार्टीज के अंदर ये केसेज होते हैं। हमारी पार्टी के अंदर हम बिल्कुल कंटेस्ट कर सकते हैं खान साहब के सामने, हम खान साहब के खिलाफ भी बहुत सारी चीजों के आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, हम खान साहब से बहुत सारी चीजों पे एक्सेसिबल हैं। खान साहब यहाँ पे आपके जो एमएनए हैं अली मोहम्मद खान साहब, उन्होंने तो भुगता ना, उन्होंने इख्तलाफ किया इमरान खान साहब के पार्लियामेंट ना जाने के फैसले से, तो उन्हें तो उस मीटिंग से ही निकाल दिया गया। नहीं, मेरा ख्याल है कि उसको थोड़ा सा एग्जैजरेटेड वर्जन है वो पब्लिकली जो आया है, उसमें अली मोहम्मद साहब बड़े रिस्पेक्टेबल हैं और बड़े अच्छे हमारे ज़बरदस्त मेंबर हैं। इमरान खान साहब देखें, जब इंटेंस माहौल होता है और इंटेंस गुफ्तगू होती है और इंटेंस सिचुएशन होती है तो उसमें आर्ग्यूमेंट तो आर्ग्यूमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट के अंदर एक बड़ी थिन लाइन होती है जिसके अंदर आप लिमिटेशन या एथिक्स या रिस्पेक्टेबल पॉइंट से बाहर नहीं निकल सकते किसी के साथ भी। तो उसमें अगर वो पोजीशन ठीक है, मैं एक और सवाल करने की अगर आप इजाजत दे दें, चलें ठीक है, आपने कहा कि वो एग्जेजरेटेड वर्जन आ गया मीडिया में, लेकिन अगर सूबे की बात कर लें खैबर पख्तूनख्वा की, जहां पे आपकी हुकूमत है, तो ये चंद नाम मैं आपके सामने रखूंगी जहां के वजीर आला परवेज खटक साहब हैं, नफीसा इनायतुल्ला खटक परवेज खटक की भाभी हैं एमएनए हैं, मुसरत अहमद जेब परवेज खटक के भाई की साली हैं एमएनए हैं, साजिदा जुल्फिकार परवेज खटक के कजन रफीक की साहबजादी हैं एमएनए हैं, लियाकत खटक परवेज खटक के भाई जिला नाजिम नौशहरा हैं, अतीक खटक इस्लामाबाद में जिन्होंने भी कंटेस्ट किया, ये मतलब ये मौरूसियत ही है ना, ये खानदान के इर्द गिर्द ही चल रही है जहां पर आपकी हुकूमत है, वहां का जिक्र कर रही हूं मैं। सादिया साहब, आज मेरे ख्याल से आपकी बड़ी अग्रेसिव लाइन है तहरीक इंसाफ के ऊपर आपके इंट्रोडक्शन के अंदर भी, माजरत के साथ। नहीं, मैं तो सारी सियासी जमातों की बात कर रही हूँ, आप ये नहीं कह सकते मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रही हूँ। अपनी हमने अपनी जो इलेक्शंस थे उसको हमने अपनी नाकामी को छुपाया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए जी, हमने पहला इलेक्शन कराया 97 में, तब पार्टी बहुत छोटी थी, 2013 में कराया, तो वो खान साहब का बड़ा बोल्ड स्टेप था जिसकी जिसकी सॉर्ट ऑफ प्राइस हमने भरनी पड़ी कि जनरल इलेक्शन सर के ऊपर थे और हम आपसी इलेक्शन के ऊपर उसी हिसाब से काम हमने शुरू कर दिया जैसे कि जनरल इलेक्शन लड़े जाते हैं। और इस बार ये खान साहब का बड़ा ज़बरदस्त फैसला था, सेंसिबल फैसला था कि वो इस चीज़ को डिफर करें और इस मेन इशू के बाद इलेक्शंस कराएं, क्योंकि जब हमारे वहाँ इलेक्शंस होते हैं चेयरमैन से नीचे तो उसके अंदर हमारा अग्रेशन फायर कैंपेनिंग बिल्कुल उसी तरह होती है जनरल इलेक्शंस के अंदर होती है। हैविंग सेड दैट, कि जो आपने पॉइंट उठाया खटक साहब के बात से, देखिए चेयरमैन साहब की फैमिली भी बच्चे या उनका खानदान इन्वॉल्व नहीं पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन मैं इसको जस्टिफाई नहीं करूंगा कि सारे अच्छे बंदे एक ही खानदान के अंदर से होने चाहिए। अच्छी बात है, आपने कह दिया जस्टिफाई नहीं करेंगे क्योंकि ये सही मिसाल या सही प्रेसिडेंट तो सेट नहीं हो रहा कि अगर एक ही खानदान के लोग जो है वो इक्तदार में आए। मैं राना अफजल साहब आपकी जानिब आते हैं, ये क्योंकि आपकी वो पार्टी है जिसके हवाले से पिलडेट की रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएमएलएन इज द लीस्ट डेमोक्रेटिक पोलिटिकल पार्टी इन कंट्री, सातवें पोजीशन जो है वो 31 पॉइंट्स के साथ। अभी आप लोगों के इलेक्शन हुए, उससे पहले ही एडिटोरियल्स और कॉलम्स आना शुरू हो गए थे जिसमें कहा गया था कि इस इलेक्शन का कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला, कोई मेजर चेंज पॉलिटिकल पार्टी के अंदर नहीं आने वाला। तो ये क्या वजह है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जमहूरी रवैया या जमहूरी अकदार आ ही नहीं पाती? देखिए, मैं आपको बड़ा फोर्थ राइट इसका जवाब दूंगा और मेरा बिल्कुल बाकी साथियों से मुख्तलिफ राय है जी। वो कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूके मार के पीता है। पाकिस्तान के अंदर पार्टीज को हाईजैक किया जाता रहा, चार मार्शल्स आए और जमहूरियत की बिसात लपेट दी जाती रही। मुझे याद है जब 1999 में मार्शल्स लगा तो जो हमारा इस्लामाबाद में दफ्तर था उसने पहली दफा इस्लामाबाद की सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रालियां चली, हमारे कंप्यूटर भी उठा के ले गए और उसके बाद हमारे पास
अपने मेंबरान के रबते के लिए उनके टेलीफोन नंबर तक जो थे वो नए सिरे से इकट्ठे करने पड़े। तो पार्टीज जो हैं, हमारी जमहूरियत जैसे मेच्योर होगी उसी तरह से हमारी इलेक्टोरेट मेच्योर होगी, और हम एक प्रोसेस में हैं जहां पार्टीज का जो स्ट्रक्चर है शायद पार्टीज के लीडर उसको इस तरीके से बनाते हैं कि ये हाईजैक ना हो सकें। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो वाहिद पार्टी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आमरियत का आना और सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत ना होना या पार्टी इलेक्शंस ना होना, जमहूरी अकदार का परवान ना चढ़ना, ये इस वजह से कि लीडर्स को डर होता है कि हमारी पार्टी हाईजैक ना हो जाए? बिल्कुल ये होता रहा है। मैंने कहा कि आपके सामने हिस्ट्री मौजूद है, ये पार्टियां आज जितनी पार्टियां खड़ी हैं वो हर मार्शल्ला में टूट फूट का शिकार हुई, बंदे उठा लिए गए, और आज जो हमारा स्ट्रक्चर है, अगर मैं बात मुकम्मल कर लूं तो पूरी बात समझ आ जाएगी। हमारा स्ट्रक्चर आज अगर जो मौजूद है उसमें किसी शख्स पे ये पाबंदी नहीं है कि वो पार्टी छोड़ के नहीं जाएगा, वो जा सकता है। लेकिन आप देखें कि हमारी पार्टी में जो छोड़ के चले गए थे मुशर्रफ के मार्शल्ला में, वो बेशतर लोग वापस आए। और इन दिनों में जहां आज पीटीआई में आपको पीपल्स पार्टी ज्यादा नजर आती है, दूसरी जमातों के लोगों में वो मूवमेंट हुई, वो आज हमारे यहाँ नहीं है, बाई चॉइस हम लोग बैठे हुए हैं। और हम चाहते हैं कि ये अगले 8-10 कुंडी साहब ने, कुंडी साहब का आर्ग्यूमेंट यहाँ पे बड़ा अच्छा है, क्योंकि आप लोग हुकूमत में बैठे हुए इसलिए कोई छोड़ के नहीं जा रहा। नहीं देखिए, हम हुकूमत में नहीं थे, हमने वो मार खाई है मुशर्रफ के दौर में, और हम वो जमात हैं जो कंधों पे बिठा के अपने लीडर को तीसरी दफा वजीर आजम बनाया, वो हमारी कमिटमेंट थी, हमने जेलें काटी, हमने मुकाबला किया, लेकिन हम लेके आए, और आज हमारे में से लोग छोड़ छोड़ के नहीं जा रहे। ये एक आप इसको बर्दाश्त करें, 8-10 साल के अंदर जमहूरियत जब मजबूत हो जाएगी, जब जमहूरियत को बादशाह अवाम जो है वो बर्दाश्त करे, अगर सियासी जमातों के अंदर जो जमहूरियत के दावेदार हैं और जो जमहूरी रिवायात का राग अलापते हैं उनके अंदर जमहूरियत नहीं है। मैं एक ब्रेक ले लूं यहाँ पे राणा साहब जी। ओके ठीक है ठीक है, आप बाय चॉइस हैं अपनी जमात में, एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, और ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में, एक बार फिर से खुश आमदीद। बैरिस्टर साहब, आपकी थोड़ी सी इस हवाले से तजवीज़ लेकर फिर हम आगे दूसरे अपने टॉपिक की जानिब जाएंगे कि दो तीन चीज़ें हमारे सामने आ गई कि एक तो शख्सियत पर किसी को एतराज़ नहीं होता, जो लीडर होता है उस पर तमाम धड़ेबाजियों के बावजूद भी तमाम लोग उस पर मुत्तफिक होते हैं। दूसरी चीज़, जैसे अभी राना अफजल साहब ने भी बात की थी कि लीडर्स को भी ये डर होता है माजी की रवायात को देखते हुए, और इस तरीके से भी पार्टी को लेकर चलते हैं कि कोई आने वाले दिनों में हाईजैक ना कर सके। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है, क्या लाहे अमल खुद पार्टी कयादत बना सकती है कि वो जमहूरी पार्टी के तौर पर बरकरार रह सके? देखें जी, ये एक इतने आपके मुतबर गेस्ट थे, आई थिंक एक कंक्लूजन तो बड़ी क्लियर हो गई, और वो ये है कि हर एक ने ये इकरार किया है कि हमारी पार्टीज में जमहूरियत नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसका इलाज सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि आपका कानून साजी की जाए और पार्लियामेंट में कानून ये लाया जाए कि जैसा मैंने पहले कहा था कि जो पॉलिटिकल पार्टी लीडर है वो दो बार से ज़्यादा इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। जब आप पर्सनालिटीज़ को दो बार से ज़्यादा इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं देंगे, ऑटोमेटिकली नीचे से एक लीडरशिप उठेगी ताकि वो रिप्लेस हो। जिस तरह आपने अमरीका में आप देखते हैं, यूरोप में देखते हैं, आप इंग्लैंड में देखते हैं जहाँ से जमहूरियत शुरू हुई, आप ये देखते हैं कि एक लीडर उठता है, और ये हमारी इस्लामिक रवायत भी है। आप देखें हमारी लीडरशिप जो उठी, पहले हमारे चार जो खलीफा थे वो डिफरेंट, वो एक फैमिली के नहीं थे, वो डिफरेंट अपनी जमहूरियत से उठ के आए थे। तो इसलिए ये एक बड़ा ज़रूरी है, और जिस तरह आप देखें हमारी हमारी वकला की आप सब माजरत के साथ मैं ये समझने से कासिर हूँ कि आप जिस कानून साजी की बात कर रहे हैं वो हमारे यहाँ करेगा कौन? ये सियासी क़यादतें जो खुद चाहती हैं कि हम इक्तदार में रहें या ओहदे पर रहें, वो कैसे कानून साजी के लिए तैयार होंगी? बिल्कुल सही, आपने मुझे ये सवाल पूछा था कि क्या होना चाहिए, ये नहीं पूछा था कि किस तरह होगा। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये बुनियादी सवाल है कि करेगा कौन? वो लीडरान है,
तो करेगा कौन। ये आपकी बिल्कुल बात सही है, और इससे मेरा ख्याल है ये एक्सक्यूज़ करना कि हमारी डिक्टेटरशिप्स आती रही और हमें मौका नहीं मिला, ये बात दुरुस्त नहीं है। आई थिंक ये क्लैरिटी के साथ हमारे लीडरान को, जो आपके पास चार बैठे भी हैं, इन सब को खुद अपनी ज़मीर को देखते हुए ये बात करनी चाहिए कि नहीं, हम अपना ये एक कानून साजी इस तरह करेंगे। और मेरा ख्याल है ये मंशूर का हिस्सा होना चाहिए इलेक्शंस में पार्टीज़ का, कि हम इस किस्म का कानून लाएंगे और अवाम को फिर आपके जिस तरह प्रोग्राम में आज बहुत अच्छा प्रोग्राम किया आपने, इसमें अवाम को हमें एजुकेट करना पड़ेगा कि आप ये चीज़ माने, आप भी एक आदमी के पीछे बार बार ना जाएं, बिकॉज उससे एक डिक्टेटोरियल रिजीम पैदा होती है, माइंडसेट ऐसा डिक्टेटोरियल आता है। और आपने देखें सुप्रीम कोर्ट ने भी क्योंकि खासकर वो जमातें जो खुद डिक्टेटरशिप के मुखालिफ हैं और उसकी बुराई में हर वक्त दलाइल दे रही होती हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, बट दिस विल सर्टेनली टेक सम टाइम। मूविंग ऑन कुंडी साहब, अब तो पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जो पैनामा लीक्स का मामला है, आज रहीम यार खान ने पीटीआई के हवाले से तो तनकीद की ही, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अब गो नवाज गो का नारा तो लगा दिया है और उन्होंने कहा है कि मेरा जमहूरी हक है और मैं अब इसको इस्तेमाल करके रहूंगा, तो पीपल्स पार्टी फिर किन लाइंस पर सोच रही है? ये तो आ रहे हैं 2 नवंबर को सड़कों पे पीटीआई। देखें, बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो आज नहीं लगे, उसने पहले दिन से नहीं, वो दरमियान में फिर थोड़ा सा चेंज भी कर लेते हैं ना, थोड़ा सॉफ्ट स्टैंस भी आ जाता है उनका। सॉफ्ट स्टैंस नहीं है, देखें अगर आप देखें जो इंडिया का इशू आया या कश्मीर के इशू का आया था, तो डेफिनेटली जब स्टेट की बात आती है तो डेफिनेटली यू हैव टू गो देयर। लेकिन अभी जो उस दिन कराची में बिलावल साहब ने कहा कि हम अगर ये हमारे चार मुतालबात नहीं माने गए तो हम 27 दिसंबर को जो हमारी बरसी है मोहतरमा शहीद की, उस पर हम लॉन्ग मार्च ऐलान करेंगे। उसकी वजह यह है कि पार्टी रीऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जा रही है हमारी, क्योंकि सारी तंजीमें हम एक बिलावल साहब एक नई टीम अपनी बना रहे हैं, उसने हमारी सारी तंजीमें डिस्ट्रिक्ट से लेके सूबे तक सारी डिजॉल्व हो चुकी हैं, और अब जो है वो होपफुली टिल मिडल ऑफ नवंबर सारी तंजीमें तकरीबन मुकम्मल हो जाएंगी, एंड ऑफ नवंबर तक। तो इसलिए उन्होंने वो टाइम दिया कि हमारे इमरान खान साहब कहते हैं आपने जानबूझ के टाइम दिया है ताकि पीएमएलएन को फायदा हो सके, 27 दिसंबर बहुत दूर की तारीख है। इमरान खान साहब तो पहले ये बताए ना कि जब मुल्क की बात आई, जब पार्लियामेंट की बात आई, जब एक मैसेज देने की बात आई इंडिया को या हुकूमत को एक टफ टाइम देने की बात आई, तो उसने तो अपोजिशन तकसीम कर दी, उन्होंने वजीर आजम ऑफिस भी गए, उन्होंने अपने सीएम को भेजा, डेलीगेशन भेजा। जब अवामी फोरम की बात आई तो उसने कहा मैं बाइकआउट करता हूँ, अपने किसी कहने पर बाइकआउट किया ये भी समझ नहीं आती, फिर किसी कहने पर माइनस वन फार्मूला ले गया ये भी समझ से बालाता रहे कि क्यों, और फिर फौरन एक मतलब है कि धरने का ऐलान किया इतने शॉर्ट नोटिस पे। तो ये बहुत से सवालात इसमें उठते हैं, मशावरत ना करने के हैं आपको? नहीं, मशावरत ना करने के आई डोंट नो कि किसके इशारे पे उन्होंने किया, ये भी हमें पता नहीं है। और हम तो हमेशा चाहते हैं कि अपोजिशन जो है हम साथ लेकर चलें। पहली बात तो ये कि इनके साथ अपनी जमात इस्लामी कौमी वतन पार्टी जो इनके साथ सूबे में इतिहादी है, वो नहीं जाने को तैयार नहीं है, इनके कज़न इनके साथ जाने को इस वक्त तक तैयार नहीं है, जो पैट है। और कज़न लंदन तो पहुँच चुके हैं वैसे आज, ये वो 7वां बेड़ है अमेरिका का पत्नी का पहुंच गया, क्या पता वापस वापस है। अच्छा मुझे इजाजत है, हाफिज सलमान भट्ट साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से, 2 नवंबर को धरना तो है इस्लामाबाद में और 30 अक्टूबर को आप लोगों की जमात भी एहतजाज का ऐलान कर चुकी है, तो ये भी कोई धरने की शक्ल इख्तियार करेगा आप लोगों का एहतजाज? और वाकई में जो पीटीआई इस वक्त चाह रही है वजीर आजम का इस्तीफा, नहीं तो धरना जारी रहेगा, क्या जमात इस्लामी भी उन लाइन पे सोच रही है? देखिए शादी बीबी, ये असल में जो अपोजिशन जमातों का काम ये है कि अगर वो इस नतीजे पर पहुंच जाएं कि हकूमत को अब मज़ीद एक काम करने का मौका नहीं देना चाहिए, फ्रेश मैंडेट की ज़रूरत है, तो वो फिर जो बड़ी अपोजिशन लीडिंग पार्टीज़ होती हैं उनको चाहिए कि वो बैठ के अपोजिशन की सारी जमातों को साथ लेकर चलें। जितना आप कंसेंसस डेवलप करेंगे उतना ही आप पब्लिक को कन्विंस कर सकेंगे, उतना ही आप पब्लिक को अपने साथ लेकर आगे बढ़ सकेंगे। इस लिहाज से इमरान खान साहब, उनकी पार्टी है, वो करना चाहें धरना देना चाहें यानी ब्लॉक कर दें जो भी करना चाहें, वो आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं, पीपल्स पार्टी आज़ाद है, लेकिन अगर मिनिमम पॉइंट्स पे कुछ कंसेंसस करके मौजूदा हकूमत को मजबूर करना है कि वो रिज़ाइन करे या फ्रेश मैंडेट की तरफ जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है इमरान खान साहब या पीपल्स पार्टी वो स्टेप फॉरवर्ड करें, आगे आएं और आकर सारी पार्टियों को बिठाएं, कंसल्टेशन करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और देखें कि मुल्क के हालात क्या हैं। ऐसे हालात में एक जिम्मेदार सियासी
थी, अपोजिशन का क्या रोल होना चाहिए और उस तरीके से हमें क्या एजिटेशन करनी चाहिए। अगर ये कंसेंसस डेवलप हो जाएगा तो सारी पार्टियों का, अगर कोई मुश्तरका गो नवाज ग्रोह की बात है, पनामा लीग से ऊपर एहतसाब की बात है, अकाउंटेबिलिटी की बात है, या फ्रेश मैंडेट की जरूरत पैदा हो गई है, ये सारी चीजें अगर हम कंसेंसस डेवलप कर लें तो पीपल्स पार्टी भी एक एजिटेशनल पॉलिटिक्स करना जानती है, जमात इस्लामी भी जानती है, पीटीआई भी जानती है, क्यू लीग को साथ मिलाया जाए, सारी पार्टी तो मकसद है उस पे वो अगर हासिल एक, करने एक में ज्यादा आसानी हो सके। मिनिमम जो टारगेट है उसको तय करें, उस पर कंसल्टेंसी करें, उस पर बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, एक फाइनल डिसीजन लेकर गो अहेड का एक सिग्नल दे दें। मामला मेरा ख्याल है कोई 60 दिनों के अंदर अंदर हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगा। ओके, तो फैसल वाडा साहब, ये जो कंसेंसस बिल्ड करने की बात है, सियासी कुव्वतों के अपोजिशन के इकट्ठे होने की बात है, इस पर नजरें जो है वो खासकर इमरान खान साहब की जाने पहले भी लगी हुई थी, अभी भी है। TORs के मामले पर जिस तरीके से मुत्तफिक नजर आ रही थी पोलिटिकल पार्टी, दरमियान में गिला सब इमरान खान साहब से करने लगी कि वो यूनाइटेड ऑपोजिशन ना रह सकी। सो अभी इसके चांसेस हैं 30 को जमात इस्लामी आप लोग अलग, 27 दिसंबर को पीपल्स पार्टी अलग। सादिया साहब, मुझे एक मिनट दे दीजिएगा ताकि मैं कंप्लीट कर दूं। आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसका एलैबोरेट जवाब देना बड़ा जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो हमने किसी को इनविटेशन या किसी को इनवाइट करने से रोका नहीं है, क्योंकि ये हमारा मसला नहीं, पाकिस्तानियों का मसला है। जितने भी सारे लोग बैठे हैं वो सारे पाकिस्तानी हैं और उनको पाकिस्तानियत के हिसाब से इस इशू को खुद ही ले लेना। 6 महीने हमने TOR के ऊपर जाया किया और डे वन से आपके भी शोज में, बाकी शोज पर ही मैं बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर था कि ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, डिले टैक्टिक्स है। उस वक्त भी कभी ऐसा कोई चांस या प्रोविजन नहीं आया, बहुत दफा इनवाइट किया गया, बहुत दफा हुआ, लेकिन कुछ पार्टीज को ये सूट नहीं करता। फैसल साहब मेरे दोस्त भी हैं, मोहतरम भी हैं, उन्होंने बातें की कि PTI के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर। देखिए जी, हमने अपना स्टांस बड़ा क्लियर रखा हुआ है, हम अब कोई गवर्नमेंट से बात करने की पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही, ना कोई बात होगी। दूसरी चीज ये कि इरिवर्सिबल बुलेट है जो खान साहब ने फायर कर दी है, और खान साहब की ये बुलेट 20 साल से एक ही बुलेट है जो इरिवर्सिबल है, कि हम स्टेटस को के खिलाफ हैं, हम अगेंस्ट द विंड हैं, हम जब भी मुंह उठाएंगे, गर्दन उठाएंगे इन हुक्मरानों के, करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ, तो कुंडी साहब जैसे लोग यही बोलेंगे कि किसके इशारे पे, क्योंकि ये लोग सारे बुजदिल पॉलिटिशियंस हैं, इनको किसी ना किसी के सहारे की हमेशा जरूरत पड़ती रही है और ये सहारों पे ही चलते रहे। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, सब आमरियत की गोद से पैदा हुई हैं। जहां तक हमारी बात है, हमें तो अल्लाह का शुक्र है, ना हमें कराची सिंध में किसी की पुष्प बनाई की जरूरत पड़ी, ना पूरे पाकिस्तान में। हम अपने लीडर के साथ बिल्कुल अपफ्रंट खड़े हुए हैं और हमने नहीं कभी देखा कि हमारे साथ क्या होगा। हमें बदनाम भी किया गया, जेलों में भी डाला गया, गोलियां भी चलाई गई, स्कैंडल्स भी बनाए गए, झूठे इल्जाम भी लगाए गए, लेकिन हमें उन सब चीजों की फिक्र नहीं है। दूसरा ये कि जो हम इस्लामाबाद बंद करने जा रहे हैं या स्टेप डाउन होना है मियां साहब ने, कंसेंसस हो या ना हो, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, कंसेंसस हो या ना हो, इमरान खान मियां साहब को या तो स्टेप डाउन करना है या उनको रिजाइन करना है, और अगर जरूरत पड़ी तो इस्लामाबाद के साथ साथ पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। यह हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, कोई हमें रोक नहीं सकता। अगर पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे, कोशिश कर ले, और बिल्कुल बिल्कुल जी, इसमें कोई, मैं बड़े कॉन्फिडेंटली आपसे बात कर रहा हूं कि अगर जरूरत पड़ी, इमरान खान साहब की हिदायत आ गई और हमें उस इंटेंसिटी में जाना पड़ा, तो पाकिस्तान भी बंद कर देंगे, और अगर डेमोक्रेटिकली हमारा जो राइट है पूरा मन और लॉफुल, उसमें अगर हमारे साथ पिछली बार के इस्तेमाल किए तो हम आसमान भी इस बार एक कर देंगे। हम अपने डिफेंस में बहुत आगे तक जाएंगे। वी हैव टेकन द एक्सट्रीम बिकॉज इनफ इज इनफ। हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, हमें ये कुंडी साहब को सवाल करना चाहिए। साहब मैं अपनी वो ठीक करना चाहता हूं, अपनी यादाश्त, इमरान खान साहब कब जेल गए बात करेंगे। देखिए जी, कुंडी साहब को मैं अपनी यादाश्त ठीक करना चाह रहा था कि इमरान खान साहब कब गए जेल, जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जेल जेल और कोड़े उन्हीं को पड़ते हैं। आप कह रहे हैं जेलें काटी, मैं पूछ रहा हूं कब जेल गए, ना वही पूछ रहा हूं। नहीं है बिल्कुल भी, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डिस्कस के जी आप जेल गए तो आप बड़े अच्छे पॉलिटिशियन है। जेल यूजुअली क्रिमिनल जाता है, करप्ट आदमी जाता है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, अगर वाला साहब, अगर मैं क्वेश्चन आपसे करूं, नहीं नहीं, मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छी बातें की हैं, आपने क्या करप्शन खैबर पख्तूनख्वा से खत्म कर दी है? क्या आपके अकाउंटेबिलिटी के जो चेयरमैन थे, जो 3 साल से अपॉइंट नहीं हो सके, जो भी चेयरमैन आता है वो आपके बंदों को पकड़ता है, क्यों पकड़ता है? आपने कहा कि हम करप्ट है तो क्यों नहीं पकड़ा अभी तक? आपने अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं की खैबर पख्तूनख्वा में? अभी जिस अकाउंटेबिलिटी के लिए तमाम अपोजिशन पार्टीज की आवाज आ रही है, उस पर हम क्या मुत्तफिक देखेंट करें? चलिए ठीक है, इस पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन एक ब्रेक लेने, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। और PMLN राना अफजल साहब मौजूद हैं उनकी तरफ से, और उनसे भी बात करेंगे कि आज जो वजीर आजम साहब ने धरने वालों की तरफ एक बार फिर से उन्हें तनकीद का निशाना बनाया और कहा है कि ये एक बार फिर मुल्क को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं,
तो क्या वाकई में वजीर आजम साहब और पीएमएलएन जो है वो इस मामले पर डट चुकी है कि कोई जवाब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई इनकी बात नहीं मानी जाएगी, कानूनी जंग का ऐलान कर चुके हैं बाकायदा तौर पर? मजीद बात करते हैं एक वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। राना अफजल साहब, आज रहीम यार खान में जिस तरीके से वजीर आजम ने हेल्थ कार्ड स्कीम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, जो तकरीर थी उनकी, उसमें उन्होंने ये तो बताया कि जी गरीब आवाम का कितना दर्द है, दुख है उन्हें, वहीं पर पीटीआई ने कहा कि जी उन्होंने मरियम बीबी की तारीफों के अलावा कुछ नहीं कहा, और जो पैनमा लीक्स के ऊपर मामला वजीर आजम साहब ने जो बयान दिया कि उस पर गलत शोर मचाया जा रहा है और ये धरने के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, एक बार फिर से वजीर आजम साहब की जो टोन है या जो बॉडी लैंग्वेज है वो लगता इस तरीके से कि वो डट चुके हैं, यानी कि शायद वो सियासी शहीद एक बार फिर से बनने को तैयार हैं। देखें, सियासी शहीद तो वो बनेगा ना, डटेगा भी वही शख्स जिसको कॉन्फिडेंस होगा कि उनके खिलाफ कोई चीज साबित नहीं हो सकती। अभी मैं इस बात की तफसील में जाने से पहले मैं अली जफर साहब ने जो फरमाया कि ये लेजिस्लेशन जो है वो जमीर की बात है, और वो जमीर में दो बार तीन बार इलेक्शन का जो है प्राइम मिनिस्टर का वो खत्म करना चाहते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स इज द साइंस ऑफ पॉसिबल, और ये एक इंटरनेशनल डेफिनेशन है। हम समझते हैं कि अगले 10-20 साल अगर जमहूरियत पाकिस्तान में कंटिन्यू कर जाएगी, चाहे वो नीचे नीचे होके गुजरना पड़े, वो आपकी आपके मुल्क के अंदर जमहूरियत को स्टैब्लिश कर देगा, और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा जमहूरियत रिफाइंड होती जाएगी। आप ये तो मानते हैं ना कि नीचे नीचे होके गुजरना पड़ रहा है, जमहूरियत के अंदर सेल्फ करेक्शन का वो होता है, तो बिल्कुल ये एक पॉलिसी है, और उसके तहत आपको पार्टीज जो हैं उनको अपने आप को किसी हाईजैकिंग से बचाना होगा, और ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, बिकॉज कमजोर जमहूरियत भी किसी आमरियत से जो है बहुत बेहतर है लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के लिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जी ये हमारा हमें घर भेजने की तैयारी कर सकते हैं, अगर ये बाई इलेक्शन जीतते रहते हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है कि हमारी कामयाबी हम लोग परफॉर्म नहीं कर रहे, हर महीने हर दूसरे महीने हम बाई इलेक्शन जीतते रहे, हम लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जीतते रहे, हम कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन जीतते रहे, तो हमें तो ये मैसेज नहीं मिला कि हमारी पॉलिसीज जो है आवाम पसंद नहीं कर रहे, या पनामा लीक्स के बाद हमारी पोजीशन जो है, पनामा लीक्स जो है आवाम हमारे बहुत बाशऊर है, उन्होंने माशाल्लाह देखे हर किस्म का इस मुल्क के साथ फ्रॉड देखा, अब वो चाहते हैं कि ऐसी पार्टी जो डेवलपमेंट कर रही है और पाकिस्तान तरक्की कर रहा है वो उसके साथ है, हमें तो वरना हम इलेक्शन हार जाते। पीटीआई एक इलेक्शन जीती है इन सारे 3 साल के अंदर, और वो भी जैसे जीती है आपके इलम के अंदर है। दूसरी बात, ये वजीर आजम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, अदालत में उनके ऊपर नाम नहीं है पनामा लीक्स में, अदालत उनसे हम पूछेंगे अदालत से, हाँ बताएं हमें। बात तो यही है ना कि वो जिस तरह आप अभी कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंट हैं, और कॉन्फिडेंस का मुजाहरा वो उस वक्त से कर रहे हैं जब से ये चीज सामने आई है, तो फिर जो अपोजिशन की डिमांड थी, वो जो चीजें पूछ रहे थे, सवालात कर रहे थे, उनका जवाब दे देते, नौबत यहीं तक ही नहीं आती, एहतजाज की धरनों की बात ही नहीं होती। बट मैं जिस तरीके से आपने बात की इसी को आगे बढ़ाते हुए, बैरिस्टर साहब, इन्होंने कहा कि जी ज़िमनी इंतखाबात जहां जहां भी हुए हम लोग जीते, अवाम बाशऊर हैं, अवाम जो हैं वो इनकी बातों में नहीं आ रहे, पैनामा पेपर्स का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर ये जो बैठे हैं फैसल वाउडा साहब बैठे हैं, ये हाफिज सलमान भट्ट साहब बैठे हैं, फैसल करीम कुंडी साहब बैठे हैं, ये जिन पार्टी से हैं वो जो अवाम की बात करते हैं, तो फिर वो क्या है, ये हो क्या रहा है कि ये भी कहते हैं अवाम हमारे साथ हैं, वो भी कहते हैं अवाम हमारे साथ हैं? देखें, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, मेरा ख्याल है अगर आप किसी भी कोई भी पोल करा लें, अवाम करप्शन के साथ नहीं है, ज़रूर होगी पीपल्स पार्टी के साथ, ज़रूर पीएमएलएन भी बहुत अच्छे काम कर रही है, और बिल्कुल कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, और उनको अवाम पसंद भी कर रही है, लेकिन जहाँ करप्शन की बात आती है, मेरा ख्याल है 99% पाकिस्तानी जो है, जो आम शहरी है, जो आपकी तरह सादिया एक अपना प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, वो सारे करप्शन के अगेंस्ट हैं, करप्शन से तंग आ चुके हैं, और जहाँ तक ये पनामा करप्शन साबित होना चाहिए जी,
सर करप्शन साबित करेगा कौन, बात तो वही है जब आपके इदारे काम ही नहीं करते, आपके इदारों के सरबराहान जो है वो हाथ उठा देते हैं और कहते हैं हमारे इदारा इख्तियार में ही नहीं है, तो फिर करप्शन कहाँ से साबित होगी इस मुल्क में? आप ये कह रही हैं कि इल्जामात के ऊपर मैं उसी पे आ रहा हूं, तो नहीं कह रही, जब मैं तो नहीं कह रही, मैं तो कह रही हूँ इदारों ने साबित करना है जो कि नहीं कर रहे। जी बैरिस्टर साहब, हाँ जी जी, मैं यही कहने लगा था अभी कि मसला ये है कि जब एक इंफॉर्मेशन आई जो एक ऑन द फेस ऑफ इट लगती है बहुत सीरियस, पनामा लीक्स के ज़रिए वो इन्फॉर्मेशन सब तक आ गई, बहुत से मुल्कों ने उसके ऊपर कार्रवाई की, तो मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमत को चाहिए था, बेशक वो इनोसेंट होंगे, वो उनमें उन्हें कोई करप्शन नहीं की होगी, उसमें कोई अभी हम नहीं कोई बात करेंगे उस पर, लेकिन कम अज़ कम उसको साबित करने के लिए जो एक तरीक़ेकार था, जो एक कानून के मुताबिक मैंने भी एक TOR प्रेजेंट किया था, अगर वो तरीका अपना लेते तो इसमें क्या मुबालगा था, पूरी पूरी अवाम खुश हो जाती। अच्छा, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में अब नोटिसेस भी जारी हो गए हैं वजीर आजम को, उनके अहले खाना को, आपको आपका तजुर्बा देखते हुए सामने रखते हुए आपको क्या लगता है कि मामला बहुत लंबा चलेगा, तवील चलेगा, या इसका हल कोई जल्दी नजर आ सकता है हमें? देखिए, इंसाफ की जो ट्रेन है जी, ये बड़ी देर टाइम लगाती है पहुंचने में, और ये चूंकि बड़ा इंट्रिकेट किस्म का केस है, ये आर्टिकल 184(3) की का मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ट्रायल नहीं कर सकती, तो अभी मुझे यकीन है कि नवाज शरीफ साहब के जब वकील आएंगे, वो बहुत सारी जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं, जो जो इश्यूज हैं प्रिलिमिनरी इश्यूज, वो निकालेंगे और उस पर बहस होती जाएगी और उस पर प्लीडिंग्स चलेंगी, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में मैं नहीं देखता कि बहुत जल्दी हल होगा। ठीक है, फैसल वाडे साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी जी, मैं राणा साहब के ऊपर ये कहना चाह रहा था कि देखें, संगीन इल्जाम आते हैं मियां साहब के ऊपर करप्शन के, अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को वो रोक रहे हैं, दूसरा जो उनके मनसब की जो सबसे पहली चीज है रिक्वायरमेंट सीक्रेसी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, वो उन्होंने लीक की है, उसके अंदर उन्होंने अपनी आर्मी को मलाइन किया है, ओ अभी भी जो डुगडुगी बजाने की बात करें वहां भी आर्मी को मलाइन कर रहे हैं, ये वो सारी हरकतें प्राइम मिनिस्टर कर रहा है जो मुल्क को तोड़ने की साजिश कर सकता है आदमी, उसके ऊपर अगर अकाउंटेबिलिटी अब नहीं होगी या इस निजाम को आगे चलने दिया जाएगा इस प्राइम मिनिस्टर के तहत, तो फिर तो मुल्क के साथ हम भी गद्दारी करेंगे, जो हम नहीं करने देंगे किसी भी सूरत में। यहां बहुत सीरियस एलिगेशन, आप देखें तो गवर्नर पे क्या एलिगेशन आ रहे हैं, एक्स मेयर पे क्या बात आ रही है, चीफ मिनिस्टर पे क्या आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर पे क्या आ रहा है, प्रेसिडेंट पे क्या बातें हो रही है, ये पूरे वो लोग हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मजाक है, ये बनाना रिपब्लिक है, हम किधर बैठे हुए, ना कोई कानून है, ना कोई नोटिस है, ना कोई इदारा तैयार है, तो हमारे पास क्या रास्ता है? एक लॉफुल कानूनी तौर पे हम एहतजाज करेंगे और इस गवर्नमेंट को पैरालाइज करेंगे। पहली बात तो ये है कि जो लीक्स हुई हैं, जो मीटिंग्स की लीक्स हुई हैं, अगर ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो अभी तक गद्दारी का इल्जाम लग जाता, अब ये नून की हुकूमत है तो आप कह रहे हैं वो कर रहे हैं, हम तहकीकात करें, किधर गए चौधरी निसार की तहकीकात, किधर वो तीन लोग किधर हैं जिनके नाम वो बताना चाहता था कि तीन लोग हैं, इन्होंने सिरल का नाम गलती से डाला, देखिए उनको इन्फॉर्मेशन लीक की गई है और माजी का रिगार्डिंग क्या, इनका देखिए इन्होंने पहले भी लीक की है, इनका जो मुशाहदुल्ला था उसने पहले भी लीक की, BBC को किसने इंटरव्यू दिया था और अब भी इन्होंने लीक करवाई है, उस मामले पे देखें स्केट कोर्ट, मसला ये है कि उस पार्टी हुकूमत नहीं है, वरना अभी तक जो है ना कोई ना कोई गद्दारी का केस लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया होता। ठीक है, लेकिन क्योंकि पंजाब के वजीर आजम है तो डेफिनेटली उनके लिए ठीक है। गुजारिश ये है प्राइम मिनिस्टर साहब इस मुल्क की शख्सियत नंबर एक है, और जिस मुल्क की शख्सियत नंबर एक पर ये शकूक व शुबहात के साए लहरा रहे हों, उस मुल्क की तरक्की, उस मुल्क की इज्जत और मकाम पूरी दुनिया में क्या होगा? ये मियां नवाज शरीफ साहब का कानून से हटकर एक इखलाकी जिम्मेदारी है बतौर वजीर आजम पाकिस्तान के, वो सबसे पहले जिस तरह उन्होंने उसमें अपने पार्लियामेंट में कहा, अपनी तकरीर में कहा, वो बाकायदा पेश कर दें अपने आप को, वरना उनकी क़यादत के अंदर जो नैब है, जो जो FIA है वगैरह वगैरह, इनकी सारी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो अपने आप को पेश कर दें, और ये पनामा लीक्स के अंदर उनके खानदान के ऊपर उंगलियां उठी हैं, जब तक वो इस शको शुबे के साए से अपने आप को साफ नहीं करते, पाकिस्तान का, पाकिस्तान की पार्लियामेंट का, पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान की जमहूरियत का, पूरे मुल्क में बनाना रिपब्लिक क्या, उससे भी बदतर इम्पेज जो है वो जा रहा है। ओके राइट, आई हैव टू वाइंड अप हियर। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज सलमान बट साहब आपका, फैसल वाडा साहब आपका, बैरिस्टर अली जफर साहब का, फैसल करीम कुंडी साहब का, और आना अफजल साहब का आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज।